अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी इधर खैरियत से हैं। काफ़ी टाइम से मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे थे हमारी वीडियो का, क्योंकि अब हम आ चुके हैं बैक। सो गाइस, हमने एक वीडियो डाली थी मुझे दौड़ों की, जिसमें मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपने मुझे दौड़ों का ट्रिप भी थी और दिखाया था। हम लोग उधर गए थे और आपको हमने मुझे दौड़ों के बारे में जो उसकी पूरी वो थी स्टोरी हमने आपको वो भी बताई थी। तो आज की वीडियो आपने टाइटल देख कर आप आ गए होंगे। आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं सिंध म्यूजियम। आज की वीडियो में गाइस हम सिंध म्यूजियम जा रहे हैं। सिंध म्यूजियम हैदराबाद सिंध में, और हम लोग हैदराबाद में हमारी रिहाइश है। चुके हैं सिंध म्यूजियम में। व्लॉग आपको रास्ते का भी दिखाया और उसका भी बताया। अभी मम्मा टिकट ले रही हैं और हम लोग बेंच पे बैठे हैं, और हमारे बिल्कुल पीछे सिंध म्यूजियम का गेट है, आप देख सकते हैं। बस अभी हम अंदर जाके आपको हर चीज दिखाएंगे, और हम देख सकते हैं टिकट है और ये 20 रुपए का है। तो गाइस चलते हैं सिंध म्यूजियम के अंदर। तो हम गाइस म्यूजियम में आए, तो अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा है, और अभी इधर शायद टिकट दिखाएंगे। आगे आप देख सकते हैं ये सारी सिंधी सकाफत, सिंधी लोग जैसे पुराने लोगों के स्टैचूज वगैरह बनाए हैं। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा सा हॉल है, और आप ये इंटीरियर ऑफ अर्थ ये आप देख सकते हैं। ये सब कुछ ये आप रोक के पढ़ सकते हैं पूरी स्कूल में जी। और ये हमारा सान भाई हमारे साथ हैं, और ये स्टोन्स पत्थर वगैरह हैं, कोल्ड है। तो देखें ये एक मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये। और ये देखें, या अगर आपको इधर जानवर दिख रहे हो तो ये देखें, ये जानवर है, ये देखें, ये असली नहीं है, ये असली जानवर नहीं है। और आप मुझे भी नहीं देख रहे होंगे तो मैंने आपको अपनी शक्ल भी दिखा दी। सो ये देखें, ये पानी टाइप बनाया है, और ये कुछ, और ये आर्टिफिशियल है। और वो बर्ड बेचारा देखें बैठा हुआ है वो, और ये मिठू, ये देखें ये पूरा, और ये देखें पूरा देख लें, देखें। अब हम इधर इस साइड पे आते हैं, तो इस साइड पे आप देख सकते हैं ये पत्थर वगैरह, ये देखे होता है ना टनल्स में, लोग घर होता है टनल में, तो ये वो है। और ये लोग वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं इधर, लेक वगैरह। ये अब देखें वो, ये जो छोटी सी ये मिट्टी के बर्तन बना रही हैं वो दोनों, ये झोंपड़ियाँ हैं, और ये इधर फसलें होती हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। और ये वो जगह है जो मुंजलो व्लॉग में भी आई थी हमारे, कि इसमें पहले आने के लोग ट्रैवल करते थे। ये फसलें वगैरह हैं, और आप ये भी देख सकते हैं, कुआं लग रहा है। सो गाइस अब हम चलते हैं दूसरे हॉल में, फिर आपको दूसरे हॉल का भी दिखाते हैं। बहुत बड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं सिंधी सकाफत की एक बड़ी बहुत बड़ी पहचान, झूला। ये देखें इन्हें लोग बैठते हैं, और ये पूरा भी म्यूजियम है, हम आपको पूरा म्यूजियम दिखाएंगे। ये आप देखें ये घर बने हुए हैं, और ये देखें ये बर्तन ही जो चीज़ें पुराने ज़माने की मिली हैं वो सिंध म्यूजियम में है। ये तो कुछ बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये सबसे मज़ेदार चीज़ है, ये देखें आप, ये देखें ये मोहेंजोदड़ो में लिखा है। हाँ ये ऐसे बस, ये देखें मोहेंजोदड़ो लिखा हुआ है इधर, ये देख सकते हैं आप मोहेंजोदड़ो लिखा हुआ है। और अभी वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ भी सकते हैं इसको। ये घर हैं पहले ज़माने के, इसका नाम है ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ लिखा हुआ है। स्विमिंग पूल है ना नीचे। हाँ ऐसे ही लग रहा है, ये भी शायद ये और ये सब ये बैलगाड़ी बनी हुई है लकड़ी से, बनी हुई मिट्टी से, बनी हुई मिट्टी से, सॉरी लकड़ी से नहीं बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई है।
और एक कहो जो दड़ो, इसके बारे में कोई हिस्ट्री होगी इसका हमें नहीं पता, ये आप इधर से पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ेंगे इसको। ये एक वो है लोग वगैरह, ये लोग ये मुझे लगता है ये बनाया हुआ है या फिर बना हुआ ही होगा, ये पत्थर वगैरह हैं, पत्थर है पुराने ज़माने के। ये आप ये बर्तन, हाँ ये बर्तन हम भी स्टैचू है, ये ऐसा आप सब ये देख सकते हैं, ये बर्तन है जो सरों पे लेके जाते हैं। ये देख लिया प्लेन पॉटरी, मतलब इधर कुछ और ये, और उधर उस साइड पे कुछ इतना ख़ास नहीं है, उधर एक मतलब अजरक वगैरह चटाइयाँ वगैरह हैं जो पहले के लोग इस्तेमाल करते थे। तो अभी हम दूसरे हॉल में जा रहे हैं, फिर दूसरे हॉल में आपको दूसरी वीडियो बना के दिखाएंगे, मतलब नई कोई चीज़। ये हाउस होल्ड आर्टिकल्स, वो चम्मच हैं और वो मतलब बर्तन वगैरह हैं, और ये वो हैं, ये लेडीज़ वुमेन्स बनाई हैं उन्होंने, ये वो खाना बना रही हैं, ये लोग आटा बनाया, आटा टाइप बनाया, ये देख सकते हैं आटा पीस रही हैं ये, और ये देख सकते हैं सिंधी का, ये आपको क्या ही दिखाएं, ये सब हाँ ये देखें, ये सब वो हैं, ये सब पहले के लिबास वगैरह हैं जो पहनते हैं ना सिंधी, ये वो हैं। और इधर पूरी जगह पे वही है, और भाई ये देख सकते हैं आप, ये ढोल वगैरह रखे हुए हैं इस साइड पे, ये देखें ये इस साइड पे कपड़े हैं सारे, और इस साइड पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आप कपड़े देखें वुमेंस के हैं सारे सामने भी, और आप इसको भी देखें स्नैक्स, और ये देखें ये जो है ये एक कुर्सी टाइप है, अच्छा ये कैमल सीट है, मतलब ऊँट पे बैठे, इसको जो अंकल बैठे हुए उन्होंने बताया ये कैमल सीट है, कैमल सीट मतलब मैं सही से बोल रहा था सीट है, कैमल नहीं बोला उसने, ये तलवारें पुराने ज़मानों के हथियार हैं, ये आ जाओ जो कैमरे वाली जगह थी वो पीछे है, मैंने कहा चलो आपको शुरू से ही ये वाली साइड नहीं दिखाई थी, मैं डायरेक्ट आपको उस वाली साइड ले गया था, तो वैसा वो गिटार की बात कर रहा था, वो जो पीछे गिटार है, और ये सारी चीज़ें हैं हाउस होल्ड जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, वो माशाल्लाह ये देखें, ये देखिए ये कलर है, ये तलवार हैं, वाह वाह वाह, पहले के लोग भी कितने कलाकार थे। तो गाइस ये अब हम देख सकते हैं हमारे साथ साथ सिंध म्यूजियम का आप लोग, तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो बनता है यार इस बार, ये देखें ये गिलास हैं और ये है कुछ, अस्सलाम वालेकुम, और ये देख सकते हैं, और ये देखें वॉरियर कॉस्ट्यूम, ये देखें ये छुरी वगैरह वगैरह, और आप ये भी देखिए जो पहले चीज़ आई थी ऊपर ट्वेल्व पोर्ट्स पीरियड, आपने यकीन पढ़ा होगा इसके बारे में भी, इसकी भी एक हिस्ट्री है पूरी, इसकी भी तलवारें, और ये देखिए तलवारें इनके नाइफ्स वगैरह, और ये तो मैंने आपको दिखा दी थी कैमल सीट है, और ये इनके तलवार वगैरह हैं। तो बस हम चलते हैं अभी, शायद अगर और रूम होंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे, तो अब हम चलते हैं गाइस, हम दूसरी जगह पर आ गए हैं, अब हमको जो है आसान आपको गाइड करेगा सब कुछ, ये देखें ये कुमार हैं और ये बर्तन बना रहे हैं मिट्टी के, ये कुमार हैं देख सकते हैं आप, ये भी है एक ये देखें ये बना रही हैं कुछ सीन ही, ये बना रहे गाइस देखें लोहर, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, देखें आप, और ये देखें इधर क्या है, ये
ये देखें आप, ये पढ़े ये सब, ये सेम काम कर रहे हैं लेकिन चीज़ें डिफरेंट बना रहे हैं। और ये देखिए किसी किसी की फैमिली फ़ोटो भी है, किसी की फ़ोटो भी है। गड्डी में कपड़ा सी रही है। जोर से तो बोलो यार, आवाज पता नहीं आई नहीं है। तो देखिए भाई, तो बर्तन ये बर्तन बना रहे हैं और उसको लिखा हुआ है काशी 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 वर्क चल रहा है यहाँ पे, देखिए। तो मैंने असन को बोला था थोड़ा जोर से बोलो, हो सकता है कि आवाज सही से आ रही हो। फिर माइक ओ हो वहाँ पे तो बर्तन भी है, वहाँ पे तो वो खाना बना रहे हैं, ये मसाले पीस रहे हैं, मसाले भी रखे हुए हैं, ये पूरा किचन वगैरह ही। वो देख रहे हो खाना बना रहे हैं, इधर पूरा एक होम टाइप है ये, वाह पूरा होम टाइप। ये देखें अजरक लिखा हुआ है और ये देखें पूरा होम टाइप है ये अंकल। ये देखें पूरा एक घर टाइप है ये, म्यूजियम रखा जो। और ये देखें, ये भी बड़ा खूबसूरत आर्ट है, बड़ा खूबसूरत आर्ट है। ये मना रहे हैं और इसका इस चीज का ये देखें, इसका नाम लिखा हुआ ही है और आप अब ये पूरा देखें, ये घर है कोई घोड़िया घर, ये चारपाई रखी हुई है, ये वो देखें घर है पूरा, ये वो झूला हुआ है, झूला पे कोई बैठा हुआ भी है भाई। ये ऊपर भी आओ मुझे देखें। अरे अब ये पूरी घर वगैरह ये काम कर रहे हैं ये, और ये, और ये चमड़े का काम, चमड़े का काम कर रहे हैं। और ये देखें मोची है इधर, ये मतलब मोची, ये देखें ये मोची ये हैं जो जूते वगैरह बना रहे हैं। इसमें उर्दू इंग्लिश सिंधी तीनों चीज़ों में लिखा होता है मोची। और ये बना रहे हैं, ये कोई होटल है शायद इधर का। चुनरी लिखा हुआ इधर, और ये देख सकते हैं आप पूरा चुनरी है। और आप सबको पता होगा कि सिंध की चुनरी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और ये देखें आप, ये सोनार की दुकान, सोनार भाई, ये सोनार है, है सब भाई। पूरे मेले में सबसे अच्छा मुझे ये लगा है, सबसे अच्छा पूरे मुझे लगा सोनार की दुकान। गोल्ड सेट्स भी ये लगे हैं और आप देखें, हाँ ये देखें स्टोन कार्विंग, पत्थर पत्थर वगैरह हैं सारे। और आप देखें ये, ये देखें ये रली है, रली जी रली रली, ये देखें ये रली बना रहे हैं, ये देखें ये देखें चार पाइप भी रली है। ऊपर ये तो वो है गाइस, सिंध की पहचान है रल्ली और अदरक दोनों जी, सिंध की पहचान है रल्ली और अदरक। ओ अदरक कह रहा हूँ, अदरक कहाँ से बोल दिया, अजरक। और ये सिंधी टोपी यार, सबसे वो सिंध की पहचान अजरक रल्ली और सिंधी टोपी, देख सकते हैं आप सिंधी टोपी। और आप पूरा ये देखें टोपियाँ रखी हुई हैं, ये शॉपकीपर वो यहाँ शीशों का काम होता है कपड़ों पर, ये देख सकते हैं भरत जो कम है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी गाइस और आपको भी बड़ा मजा आया होगा। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी अलग थी, आज हमने ब्लॉग बनाया था और सिंध म्यूजियम में आपने हर चीज देखी, सिंध का रल्ली देखी आपने जो सिंध की बहुत मशहूर है, अजरक सिंधी टोपी के बर्तन, सोनार की दुकान, मिट्टी के बर्तन, पुराने जमानों के हथियार, रोटी बनाते थे आपने देखा, और इतना हमें तो मज़ा आया। मुझे यकीनन उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। ये एंट्रेंस है और वो पीछे जो है आप देख सकते हैं, वो पीछे गेट है जो आप खंडील
थंबनेल में भी मैं गेट की पिक्चर गेट के साथ लगाऊंगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अल्लाह हाफिज़।